आज जब कुछ लोग आए, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम किसान हैं। आप यात्रा में क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि हमको हमारे गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, हमारी जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है, फसल का दाम दुगना करने की बात थी वो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे नौजवान थे जो कॉरपोरेट में नौकरियां करते थे इसी इलाके के, और घर से बहुत दूर जा करके औरंगाबाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमबीए की पढ़ाई की, और लॉकडाउन के बाद जो है वो जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अचानक एक दिन कॉल आया और उनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि लगातार किचन चलाना, घर बार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, पूरा का पूरा हमारा बजट बिगड़ गया है। जब हम ये सवाल पूछ रहे थे तो इसी बीच उनमें से एक यात्री ने पूछा कि आप क्यों चल रहे हैं? हमने कहा कि हम इसलिए चल रहे हैं कि इस देश के लाखों करोड़ों लोग रोज अपना जीवन जीने के लिए चलते हैं। हम तप करके, और राहुल जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तपस्या का। तपस्या क्या होता है? जब कोई चीज तपता है, कहते हैं ना कि सोना तप कर ही खड़ा होता है, तो वो पक्का होता है, वो मजबूत होता है। और आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके यहाँ एक से एक तपस्वी पैदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, तपस्या की, और आपके हाथ में एक बहुत बड़ा विरासत दिया है कि आप गर्व से कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, आपका जन्म इस महान भूमि पे हुआ है। उस मायने, उस मतलब को हम समझने के लिए चल रहे हैं कि जो दर्द हम महसूस करते हैं उस दर्द में और कितने ऐसे नौजवान हैं जो शामिल हैं, जो शरीक हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं, उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है, और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, और वो सेक्रेटरी बना रहे इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पर भाषण